नोएडा में पहली बार एक ऐसा फैशन शो होने जा रहा है जिसका थीम सबसे बिल्कुल अलग है। फैशन शो के ऑर्गेनाइजर विनीत चौबे का और उनके टीम का कहना है कि जो स्ट्रगलर मॉडल हैं आजकल मॉडल के साथ हो रहा है। इस स्कैम को देखते हुए विनीत चौबे और उनके टीम ने यह कदम उठाया है। इसलिए फैशन इंडस्ट्री के जो अच्छे आर्टिस्ट और मॉडल हैं उनको अच्छा काम और अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना उनका लक्ष्य है। विनीत चौबे अपनी टीम और अर्शद प्रोडक्शन के साथ मिलकर ग्लैमर्स फैशन शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो कि 13 अगस्त को नोएडा में होने जा रहा है। इस शो में दिल्ली के जाने माने टॉप मॉडल्स और डिजाइनर्स और गेस्ट शिरकत करेंगे। मैं अर्शद खान हूँ, गाजियाबाद से। हम लोग प्रॉपर रहने वाले हैं। हम 7-8 साल से यहाँ पर शोज़ कराते हैं, इवेंट कराते हैं और क्या नाम है, जितने भी मॉडल्स हैं, एक्टर्स हैं, हम उनको प्रमोट करते हैं। अब विनीत जी शो करा रहे हैं तो हम फुल सपोर्ट कर रहे हैं, हम सबके लिए साथ खड़े रहते हैं। और कोशिश, मेरा मेन मोटिव यही है कि जो भी कोई शो कराता है, शो तो बहुत लोग करा रहे हैं आजकल, शो कराने के बाद वो मॉडल्स को कोई फेम नहीं दे पाते हैं। मॉडल मतलब जीत जाते हैं, जीतने के बाद पेमेंट भी कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। उनकी चाहत होती है कि हम बॉलीवुड में जाएं, हमें ऐड शूट मिले या कुछ अच्छे लेवल का काम मिले। अभी तक मैंने नहीं देखा है, मुझे 8 साल हो गए हैं। बस मैं विनीत जी से भी यही कहना चाहूँगा कि ये नए तरीके से मतलब फर्स्ट शो कर रहे हैं, तो जितने भी मॉडल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो विनर बने उनको एक्चुअल में ही रियलिटी में काम मिलना चाहिए। और उन लोगों को आगे लेकर जाओगे तो आपका चेहरा बिल्कुल रियल हो जाएगा, क्लियर। तो मेरी सोच यही है, जो भी फैशन शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके सपने पूरे होने चाहिए। सर, अगर मैन मोटिव जाना चाहे, जो भी मॉडल यहाँ पे आएंगे, जिन मॉडल का प्लेटफॉर्म दे रहे हैं इतना अच्छा, सर, वो कहाँ तक पहुँच सकते हैं? हमारी कोशिश पूरी बॉलीवुड तक रहेगी, बाकी उनके टैलेंट पर डिपेंड है कि उनके अंदर टैलेंट क्या है। ऐसा एक्चुअली हम किसी की खूबसूरती देख के जज नहीं कर सकते। अगर खूबसूरती देख ली और उनके अंदर एक्टिंग नहीं है तो हम उसको कहीं तक भी नहीं ले जा सकते। प्रॉपर कोर्स होना भी ज़रूरी है कि हम बिना कुछ सीखे किसी को अचीव नहीं कर सकते। माई सेल्फ अवनी, और मैं एक मॉडल हूँ। मेरे को 1.2 ईयर हो गया इस इंडस्ट्री में और मैं एक डांसर हूँ, साथ साथ एक इन्फ्लुएंसर और नेल आर्टिस्ट भी हूँ। मैं इस शो के लिए यही कहना चाहूँगी कि ये शो मतलब मैं इस शो के लिए ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, ठीक है। इस शो के लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब जब मेरे को पता लगा कि ग्लैमर फैशन वीक शो हो रहा है तो मैंने सोचा कि मैं इस शो में पार्टिसिपेट करूँ, बट मैं ये अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ कि मैं इन लोगों की टीम मेम्बर हूँ। जो ऑर्गेनाइज़र विनीत चौबे सर है हमारे, वो हमारे ऑर्गेनाइज़र हैं, उन्होंने मुझे अपना टीम मेम्बर माना। और ये हमारे राहुल सर है, इन्होंने ये को ऑर्गेनाइज़र है। इन दोनों के साथ में वर्क करके मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैं ये चाहती हूँ कि मैं इन दोनों के साथ हमेशा ऐसे ही वर्क करूँ और बहुत आगे जाऊँ। और मैं आज जो यहाँ पर हूँ वो सिर्फ इन दोनों की वजह से ही हूँ। तो थैंक यू सो मच। माई सेल्फ माही, और मैं एक मॉडल हूँ प्लस मैं एक मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ और मैं इस लाइन में 2 साल से हूँ। और मेरे को काफ़ी सारे मैंने डिज़ाइनर शूट्स किए हैं, सेलिब्रिटी डिज़ाइनर शूट्स किए हैं और काफ़ी सारे मैंने रनवे शोज़ भी किए हैं। इसके साथ साथ मैं अपना मेकअप का भी करती हूँ फ्रीलांसिंग का। मैम, इतने बड़े शो में आप एज अ टीम मेंबर वर्क कर रहे हैं, उसको करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं यहाँ पे एज अ टीम मेंबर वर्क कर रही हूँ, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे एज अ टीम मेंबर वर्क कर रही हूँ और मैं पहली बार किसी के साथ टीम मेंबर और प्लस मॉडल वर्क कर रही हूँ। तो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, सुपर एक्साइटेड हूँ और मुझे 13 अगस्त का तो वेट ही नहीं हो रहा।